हेलो गाइस, याकतुम्बा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये मेरा सबसे पहला ब्लॉग है। मैं कब से सोच रहा था ब्लॉग बना लूं, पर कभी हो नहीं पाया, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा गांव का नज़ारा दिखाऊंगा। और ये रहे हमारे तामुल के पेड़, या फिर सुपारी के पेड़ बोल सकते हो आप लोग। ये तकरीबन आपको हर घर में मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब आसाम में हमारे यहाँ। और ये तामुल का पेड़ ख़त्म होने के बाद कुछ ही दूरी में आपको दिख जाएगा एक नदी, जो कि बिल्कुल ही सामने है। सुबह का टाइम है दोस्त लोग, क्योंकि हम लोग गांव में सुबह सुबह उठते हैं। जो ये देखो नदी, और ये नदी में हम लोग फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। और ये नदी कुछ ज़्यादा ही सामने हो गया, पहले थोड़ा दूर था। इस नदी को लोंगा रिवर बोलते हैं, लोंगा नदी या फिर लोंगा नदी। आप देख सकते हो हर जगह हरा भरा, सूखा फूखा भी है। और ये देखिए आप लोगों का, मतलब हमारा फेवरेट, जिसको इंग्लिश में पिक और हिंदी में सुअर बोलते हैं। तकरीबन हर घर में मिल जाएगा आपको एक नहीं तो दो सुअर, हमारे यहाँ पे दो है। क्योंकि हर कुछ भी काम हो लाइफ में, लाइक ट्रेडिशन वाला काम, वहाँ पे लग जाता है हमारा पोर्क मीट, तो इसलिए हर घर में एक दो मिल जाएगा आपको। तो क्या बोलूँ आप लोगों को, जो जो खाते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा टेस्ट क्या होगा हमारा पोर्क मीट का। तो ये मेरा बैकयार्ड है। और ये हमारा गाय का तबेला, जिसमें ज़्यादा तो नहीं, इसे 10-9 गाय है, पर आपको तकरीबन हर घर में मिल जाए, मतलब गाय मिल जाएंगे यहाँ पे हमारा गांव में। 100 से 150, किसी का 300, पर हमारा कम है, क्योंकि देखने के लिए मिलते नहीं ना बंदे। सो हम लोगों ने कम गाय रखे, क्योंकि इनसे मिलता है हमको दूध, ऑर्गेनिक दूध। हमारा शहरिया भाषा बोले तो ऑर्गेनिक दूध। तो इन गायों को भी देखना पड़ता है, और इन गायों से हमको मिलता है काउडंग, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कौन लेके जाता है उनको देखने के लिए। कुछ ही देर में आ जाएंगे हमारा भैया जो गाय देखते हैं। अब क्या बताए भाई, ये हमारा गुरु गाय, लेकिन हमारे तबेले में बस गाय ही गाय है। क्या बताए, तो दोस्तों ये है हमारा भैया जो के हमारे गाय देखते हैं। ये हमारे रिश्तेदार है, मेरी मतलब बड़ी माँ का बेटा। हम आसाम से बिलोंग करते हैं, तो हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बुरा मत मानिएगा। कहाँ बताएं, हिंदी तो बकना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन समझेगा नहीं हमारे दुख दर्द, हमारे ब्लॉग को कहाँ बोल रहे हैं। तो इसीलिए टूटे फूटे हिंदी को जोड़ के ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों, और गायों को लेके जा रहे हैं हम लोग खेत में। कृपया आप लोग देखते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। हमारे गांव में ये एक झील है जो 12 के 12 महीने सूखता नहीं है, और यहाँ पे गाय भैंस आके पानी पीते हैं। यहाँ पे हम लोग साल में एक बार फिशिंग भी करते हैं, जो कि मेले जैसा लगता है। कभी आना फिशिंग करने हमारे यहाँ पे। चलो दोस्त लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों जहाँ पे मैं रहता हूँ,
मतलब पूरा गांव इलाका है वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सारे के सारे इको फ्रेंडली घर, या फिर आप बोल सकते हैं मिट्टी के घर या मट हाउस, जो आपको बोलने के लिए पसंद हो। ये हमारा गांव और यहां पे हम काम करके रहते हैं। ऐसे देखो बहुत सारे काम, मतलब जो भी हो, मैं तो काम नहीं करता, थोड़ा आलसी हूँ। ये किचन से निकला, आगे चलते हैं और ये देखो आगे हमारा याकुम्बा मंदिर या फिर किरात मंदिर। और ये डॉगी चू 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 चू, साले कुछ काम नहीं है, जा घूम ले। अरे भाई साहब, अरे ज़रा रुको। अरे और इन्हें देखिए, ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि स्कूल बहुत दूर है, 7-8 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं हम लोग, जो कि बहुत हार्ड होता है हमारे लिए, मतलब बहुत ही मुश्किल, पर क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। और आगे चलते हैं दोस्त लोग। तो दोस्त लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है, याकुम्बा ब्लॉग्स, और आगे जाके आप लोगों को और अच्छा वीडियो देने के लिए कोशिश करूँगा। जो मेरे विज़न है, मतलब मेरे दृष्टिकोण से जो दिखे उसको मैं कैप्चर करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। ये हमारा गांव, आगे जाके अगला हमारा पड़ोसी वाला गांव, अभी कुछ भी, मतलब जो मुझे अच्छा लगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लाइक स्टोरी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय।